हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं फोर्स यानी बल के बारे में बता रही हूँ। एक किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स के सभी पार्ट्स हैं एंड किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स किसे कहते हैं इसके बारे में अच्छे से समझाई हूँ। एंड फ्रिक्शन यानी घर्षण बल एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं और ये हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से बताई हूँ। तो आप इन सब वीडियो को चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बात करते हैं फोर्स। तो दोस्तों, सबसे पहले आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, बल यानी फोर्स किसे कहते हैं। दोस्तों, जो बल है, जैसा कि बल वह वाह्य कारक है जो किसी वस्तु को विरामावस्था से गति अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करती है। जैसा कि आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, यदि कोई वस्तु आपने रखा है या एक कोई वस्तु पड़ा हुआ है, वो वहीं पे रहेगा। कब तक वहीं पे रहेगा? जब तक कि उस पर कोई वाह्य बल लगा करके उसमें उसकी स्थिति में परिवर्तन न कर दे। ठीक है, जैसे आपने कोई बुक किसी स्थान पर रखा है, वो वही स्थान पर रहेगा जब तक कि आप उसको उठा करके कहीं अन्यत्र न ले जाएं। ठीक है, तो वो बल वही कार्य करता है। तो इस प्रकार बल वह वाह्य कारक है जो किसी वस्तु के विरामावस्था से गति अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ये बात जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ में आ जाता है, जड़त्व के नियम में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन के प्रथम द्वितीय तृतीय नियम के बारे में फुल अच्छे से समझाऊंगी, जो आपको कभी नहीं भूलेगा। इस प्रकार जो है बल जो है दो प्रकार का होता है, आंतरिक बल यानी इंटरनल फोर्स, वाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसे जरूर पूछे जाते हैं और लोग क्वेश्चन भी गलती कर देते हैं। ठीक है, तो आंतरिक बल जो है, जो इंटरनल फोर्स है, इसको मस्कुलर फोर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है। आंतरिक बल जो है, जहां भी आंतरिक बल का नाम आए वहां मांसपेशी याद कर लीजिए कि आंतरिक बल जो है मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, इसके लिए इसलिए इसको मस्कुलर फोर्स भी कहते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार का बन सकता है कि मस्कुलर फोर्स किस बल को कहते हैं, तो आंतरिक बल को। ठीक है, और मांसपेशियों की सिकुड़ने और फैलने से ही बल की उत्पत्ति होती है या आंतरिक बल की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब जैसे कि हमारी मांसपेशियां कैसे कार्य करती हैं, जो पेशी बल लगाती है किसी कार्य को करने के लिए या मांसपेशी को संकुचन करने के लिए, उस पेशी को प्राइम मूवर कहते हैं यानी मुख्य मांसपेशी कहते हैं। और जो उस गति को करने के लिए, उस पर बल लगाने के लिए सहायता करती है अन्य पेशी, उस पेशी को असिस्टेंस मूवर यानी सहायक पेशी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी चीज को फेंकने के लिए हमारी कौन सी मसल्स कार्य करती है, पेक्टोरलिस मेजर पेशी जो हमारे वक्ष पर होती है। ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर पेशी इसमें क्या है, मुख्य भूमिका अदा कर रही है। ठीक है, मुख्य भूमिका यानी प्राइम मूवर का कार्य कर रही है। यही सीरेटस इंटीरियर जो हमारे पसलियों के किनारे पर होता है, जैसा कि मैंने मांसपेशियों वाले वीडियो में बताया है सभी मसल्स के बारे में, तो सीरेटस इंटीरियर जो है असिस्टेंट मूवर का कार्य कर रही है। तो किसी चीज को फेंकने के लिए पेक्टोरलिस मेजर जो है प्राइम मूवर का कार्य कर रही है और सीरेटस इंटीरियर जो है असिस्टेंट मूवर का कार्य करती है। तो इस प्रकार मांसपेशी कार्य करती है बल लगाने के लिए। ठीक है, आंतरिक बल में। एंड नेक्स्ट है वाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स में दोस्तों वो आता है जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स, प्रतिरोध बल यानी रेसिस्टेंस फोर्स, अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अभिकेंद्रीय जो केंद्र की ओर लगता है और अपकेंद्रीय बल जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। जैसे कि जब हम हैमर थ्रो में हैमर को घुमाते हैं तो उस समय घुमाते समय अभिकेंद्रीय बल यानी केंद्र की ओर लगता है,
एंड जब उसको फेंकते हैं तो फेंकते समय अपकेंद्रीय बल यानी केंद्र से बाहर की ओर लगता है, जिससे उसको हम फेंक पाते हैं। तो ये उदाहरण कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हैमर थ्रो में घुमाते समय कौन सा बल लगता है, तो अपकेंद्रीय बल लगता है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। और जब उसे घुमा करके जब फेंकते हैं तो फेंकते समय कौन सा बल लगता है, केंद्र से बाहर की ओर लगता है, यानी अपकेंद्रीय बल लगता है। तो घुमाते समय अपकेंद्रीय और फेंकते समय अपकेंद्रीय, ठीक है, इसका सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल नाम याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय न लिख करके सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल लिख देता है, इसलिए सबका इंग्लिश भी आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वाह्य बल वह बल होता है, जैसे कि कोई वस्तु यदि विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, और गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई वाह्य बल न लगाया जाए। जैसे कि कोई गेंद लुढ़क रही है तो उसी तरह लुढ़कती ही रहेगी जब तक उसको उस पर वाह्य बल, कोई प्रतिरोध बल या घर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल और अभिकेंद्रीय बल ये सब न लगे, ठीक है। तो जैसे कि हवा का प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो बाल रुक जाता है, कहीं उबड़ खाबड़ जगह हो गया तो घर्षण बल उत्पन्न हो गया और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, इन सब के कारण वह गेंद रुक जाएगी, नहीं तो क्या होता, ये लगातार उसी दिशा में चलता रहता, ठीक है। तो वह बल के विरोध के कारण, प्रतिरोध के कारण किसी वस्तु की गति में बदलाव आता है, ठीक है। तो आप वह बल और आंतरिक बल के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि वाह बल क्या है, आंतरिक बल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला बात कि बल क्या है, तो बल वह वाह्य कारक है जो किसी वस्तु को विरामावस्था से गति अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल कितने प्रकार का होता है ये पूछ लेगा, तो बल कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, आंतरिक बल यानी इंटरनल फोर्स, वाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स। आंतरिक बल मांसपेशियों द्वारा बल लगाया जाता है, वाह्य बल हमारा गुरुत्वाकर्षण घर्षण बल प्रतिरोध बल अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल इन सब के से लगाया जाता है, ठीक है। यानी वाह्य बल किसे कहते हैं, वे बल जो किसी वस्तु के जड़त्व और आकृति दोनों में परिवर्तन कर लाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था बल के बारे में, जैसा कि बल का बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी बल का मात्रक न्यूटन और डाइन होता है, ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए। वैसे तो मैं एक वीडियो सभी के मात्रक पर बनाऊंगी कि MKS पद्धति में, इस पद्धति में जितनी पद्धतियां हैं उन सब में उसका मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा और इसे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, एंड आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।